आज के इस वाले एपिसोड में गाइस मैं खेलने जा रहा हूं दोबारा से माइनक्राफ्ट वर्ल्ड गाइस। इस वाले एपिसोड में डॉट गिव्स ओपी ओपी आइटम्स, मतलब हमारा पूरा वर्ल्ड डॉट से कवर है, डॉट ही गिव्स ओपी आइटम्स। चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप मेरी हर वीडियो देखते हो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ को। ओके गाइस अभी अपने वर्ल्ड को प्रॉपर एकदम ओपन कर दे, क्योंकि मैं ना मोड डालना भूल गया था, तो इसलिए मैं मोड ही डाल रहा था। अभी हमारा वर्ल्ड बिल्डिंग टेन हो गया, वर्ल्ड लोड हो रहा है अभी। मैं दिख रहा आप खुद है रहा होगा, मैं देखो अभी भी इंटरफेस आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी डॉट। अगर डॉट यू पेट देखिए तो भाई गेम की टफनेस क्या रह जाएगी, वही बात सोचो। ओके वी आर इन अवर वर्ल्ड, देख रहे हो इतना सुहाना वर्ल्ड है हमारा, शांति से भरा और शांति का भरा ही रहेगा। क्योंकि मैं बता दूं अगर मैं डॉट को तोड़ूंगा तो ये निकलने वाला 50 ऑब्सीडियन, करीब 70 से ज्यादा नहीं, 70 ज्यादा नहीं, 67 मेरे पास है एरोस। और अगर मैं एरो से अरे बाबा को मारूंगा तो वन शॉट अलग हो गया, मेरे को फूड अलग मिलेगा भाई। ये तो बहुत ही ज्यादा ओपी आइटम है भाई, क्योंकि पहले एपिसोड में तो पहले डॉट का लोग तोड़ते ही भाई ये मिल गए भाई, उसमें इन्फिनिटी हुई है। अगर मैं चाहूँ तो सारी वो फेंक देगा, काम कर दे अपनी इन्वेंट्री को खाली कर दे यार थोड़ा, क्योंकि अभी मेरे को इतनी खतरनाक आइटम मिलने वाली है क्या ही बताओ। ओके ये तोड़ो भाई, स्टैप और रॉकेट है भाई इसमें, मतलब फिर जो मैं सोच रहा हूँ मेरे को वो भी मिलेगा भाई। ऑब्सीडियन देख लो मेरे पास एक बार, अब व्हाट द हेलमेट मिल गया नेदरराइट का, मजे आ गए भाई। मैं इतना वीरस वाले एपिसोड में तो भाई खुले उड़ाऊंगा रॉकेट। हाँ वो बात अलग है कि रॉकेट पुस्सी है, बट कोई दिक्कत नहीं, बस कोई लाइट रहा पोर्शन मिला बहुत सारा। और भाई गॉड लेवल, ओ क्या कहता है भाई, तो ट्रेडर मिला एफपी पोर्टल में काम आने वाली है नहीं, क्योंकि मेरे को ही नहीं लगता, क्योंकि हेलमेट देख रहे हो भाई फुल्ली एकदम भाई प्रोटेक्शन है इसमें। ओके प्रोटेक्शन 4 भाई, फुल्ली एकदम फर्निश्ड है। वो हो कोई भी मिली भाई, अगर मैं लिटरली अगर मैं पीसी में होता तो मेरी हाँ एडवांस अचीवमेंट कंप्लीट हो जाती, बट आज कोई दिक्कत की बात ही नहीं, क्योंकि एंड ड्रैगन को भाई खौफ होने वाला, पैंट मिली भाई दो पैंट यार। मेरे को ना एक चीज़ का डर है कि मेरी ना गेम ना मतलब इतनी लैग ना हो जाए, क्योंकि इतनी खतरनाक आइटम मिलने वाली होगी इसमें। फायर प्रोटेक्शन और थॉन्स बेकार है भाई, ये तो टोटली बेकार। ये फायर प्रोटेक्शन क्यों है भाई इसमें, और इसमें फायर प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग 3, इसमें थॉर्न्स प्लस है ठीक है। अब थॉर्न्स ले तो मेरे को गोल्डन एप्पल भी मिले हैं, थैंक यू। और एक बार तो पूछ रहा है पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग भाई काम आने वाला है ये पोशन। अभी मेरे को पे क्या पता क्या करना, अपनी इन्वेंट्री खाली करनी, क्योंकि इन्वेंट्री मेरी बहुत बढ़ चुकी है। और क्या मिला मेरे को नेदरराइट का कुछ तो दिख रहा है वहाँ पे, एक मिनट एक तो मैं भाई फिर यही दिक्कत है यार, अब यही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप देखिए क्योंकि मेरी इन्वेंट्री पूरी भर चुकी हो ब्रो, देख रहे हो। अब मेरे को पिकअप मिल चुके हैं, मैं क्या नहीं तोड़ सकता, बट छोड़ो अभी तो, अभी कहते हो डर नहीं तोड़नी भाई, बस मेरे को टूटो मो फंडाई। ये तो मैं रखने वाला हूँ अपने पास, तो दो रखने पाऊंगा, दो रखने वाला हूँ, एक तो मैं हाथ में पकड़ूंगा। इनफैक्ट अगर मैं बाई चांस कोई कुछ धूप पत्ती करते करते अगर मैं मरने वाला हूँ तो मेरे को बचा लेगी, थैंक यू दोस्त। यार मेरे को समझ नहीं आता है, मैं क्यों बीच बीच में सोचा तो चुप है। ओके चेस्ट प्लेट मिली भाई, कितने पोस्ट है चेस्ट प्लेट, प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन ठीक है। अगर मैं प्रोटेक्शन होती सिंपल हो तो दो ज़्यादा बढ़िया होता। ओ मेरे पास गोल्डन एप्पल भी स्कैम हो चुका है। ओके ये बेकार है, मैं भैगो भाई मैं पैंटी देख रहा था, पैंटी बेकार निकली ठीक है। अभी और डट को भाई मेरे को ना सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मतलब एक नहीं मेरे को या तो ज़्यादा जाने का छुटकारा ही नहीं होना चाहिए यार। बात एक बार एक और चेस्ट प्लेट गिरी है, मैंने एक बार इस चेस्ट प्लेट को भी देख लिया, तो अगर इस चेस्ट प्लेट प्रोटेक्शन 4 हुई तो मैं इसको को हंस के लेने वाला भाई, इस चेस्ट प्लेट को बस वही है ना भाई, गंद इतना पड़ रखा। ओके अभी यार ये भी तो खराब है, और कुछ है नेदरराइट का आगे, ओ नेदरराइट के जूते मिल गए भाई, मजा ही आ गया। अब बस एक लाइटर दे दो यार, मेरी कमी पूरी हो जाएगी यार। एक तो इतना सामान गिर रखा है, नहीं हेलमेट नहीं चाहिए मेरे को चाहिए मेरे जूते, ओ खतरनाक वाले जूते भाई, थैंक यू गाइस। पूरे नेदरराइट के फुली आर्मर से मैं हो चुका हूँ कवर, अब बस मेरे को चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, हाँ यार मेरे को तलवार वगैरह भी तो चाहिए। ओ तलवार का नाम लिया और एक गॉड लेवल वेपन मेरे हाथ में, पोर्शन ऑफ लिपिंग। ओके मैं रख सकता था बट मैंने रखा नहीं, ओ स्म
फाइट फाइव अप्रोच पे लिटरली अगर मैं इसको तो कैम मारे तो बेचारी होगी पहले से वन शॉट। ओ बेट ओ बेट द जान भाई एंचेंटेड एप्पल भाई किसको नहीं चाहिए भाई, मैं तो लूंगा भाई एंचेंटेड एप्पल। ओके 8 ही मिले हैं बस, अगर एक स्टैक मिल जाता तो क्या होता। ओ एंडरपल और स्पॉन एग्स भी है, ठीक है एंडरपल तो ठीक है, बट ये स्पॉन एग कौन सा है? मैं ना शुरू से स्पॉन एग लेने में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, क्योंकि स्पॉन एग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि येलो कलर को मैंने कभी देखा भी नहीं स्पॉन एग को। देखते क्या स्पॉन ब्लेज, ठीक है एक मिनट रुक जाओ स्पॉन ब्लेज गाइस। ओ एंडरपल मिली, तीन स्टैक एंडरपल मेरे को आई कांट बिलीव माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को ब्लेज स्पॉन मिल चुका, मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है नेदर में भाई, ये तो कुछ ज्यादा नहीं मेरे लिए आसान हो गया भाई। यार मेरे को नहीं पता था कि, क्योंकि जितने भी है मैंने मोड खेले आज से पहले वाली वीडियो में वो कहीं ना कहीं मेरे को नेदर जाना पड़ता था, क्योंकि ये नहीं कि सीधा ही ओपी आइटम फेंक दे मेरे को। बट भाई फिर में भाई बातचीत अलग है यार, मेरे को वो क्यों नहीं दे रहे यार, मेरे को ना तलवार उठानी यहाँ से। और भाई एक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम हो गया कि भाई हमें मिल गई है ब्लेज के स्पॉन एग, और ये भी मिल गया भाई क्या कहते हैं उनको एंडरपल्स, ओ इस पर भी स्माइट फाइव, ठीक है भाई एक ही बात है स्माइट फाइव वगैरह। अब गाइस स्माइट फाइव है तो स्माइट फाइव को थोड़े से दर्शन भी करवा देते, एक काम करो क्या, तो रॉकेट की कोई जरूरत नहीं मेरे को, ब्लेज स्पॉन बूम बैम वन शॉट भाई वन शॉट। तो मैं तो इनको अपनी ब्लेस हुई, इनको अपनी वॉर से मारने वाले मतलब क्या कहते हैं। ओके एक ब्लेज रोड मिल भी चुकी भाई, तुम सीधे ब्लेज रोड दे देते यार मोड वालों की परेशान। पोर्शन ऑफ हीलिंग, ओके पोर्शन ऑफ हीलिंग, ऑफर पोर्शन की जरूरत नहीं है मेरे को, अगर सीधा सीधा मेरे को दे दो ओके ब्लेज ब्लेज फोन करवा दो यहाँ पे। क्या एक गई मतलब गई नहीं, ओ भाई बिल्कुल भी डैमेज नहीं आया मेरे को लू, और मर गई एक और गई यार। एक तो जब जलाते हैं ना स्क्रीन पर कुछ दिखता नहीं है, घुमादार जो आपको ना लग जाए गलती से। ओ यहाँ पे एक ब्लेज रोड, अगर मेरी तलवार में लूटिंग होती ना तो बताता भाई, मैं सबको बताता ओके। देख लेते पहले कितनी होगी, 5 हो गई है ठीक है, 3-4 और चाहिए मेरे को मेरा काम हो। मरी क्यों नहीं विंटर सेकेंड, मैं सोचा एक ही क्रिट में इसका काम तो मैं मुझे का, बट नहीं हुआ बाय निकल ठीक है। और कितनी ब्लेज रोड होगी मेरे पास, 7 हो गई है। अबे भाई मैं जितनी चाहूँ उतनी ब्लेज रोड ले सकता हूँ, पूछने की जरूरत है क्या किसी से यार। मेरी सबसे तगड़ी खतरनाक बॉयंडर ड्रैगन में तो बहुत से भूल दूँ खत्म भाई, अब विनाश हो चुका हूँ। पहले ब्लेज पाउडर जितना मन बताओ, फिर उसे जितनी बन रही है ब्लेज रोड बस। मेरे को ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है, अगर मेरे को लाइटर मिल जाता ना हमारी पूरा मिशन आसान हो जाता बस, क्योंकि एक ओ मैं खोद के देख लेता हूँ अगर मेरे को लाइटर मिल जाए बाई चांस की बात है, बस लाइटर दे दो यार। यार लाइटर तो मिल नहीं रहा उल्टा है, अब ये फालतू की चीज़ें मिले जा रही है मेरे को, बस मेरे को लाइटर दे दो यार, बस मेरे को ट्रैवल करने के लिए और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी बिल्कुल। गेम भी लाइटर यार यहाँ पे लैग शुरू ना हो जाए, बस बस मेरे को लाइटर दे दो मैं जा रहा हूँ भाई, दे दो फिर मैं जा रहा हूँ पक्का। लाइटर गेम भी लाइटर एक और तलवार यार प्लीज लाइटर दे दो यार, रॉकेट दे दो रे हो लाइट। ओ ओ स्टॉप लाइटर दे दिया उन्होंने, मजा आ गया दोस्त मजा आ गया। अब एक काम करो पर ये कहाँ जा रही है, ओके पहले इसको मैं कैच करूँगा क्योंकि इतनी भी अमीरी नहीं है, आ जा टूटियो मत फक यू टूट क्यों गई, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो ब्रो एंडर ड्रैगन की तो धज्जियाँ उड़ा देने वाला हूँ मैं अभी ना, एक काम करता हूँ ऐसे ट्रैवल करता हूँ, मेरे को 2 मिनट मेरे को अपनी इन्वेंट्री भी सेट करनी क्योंकि ना फूड वूड का भी तो चक्कर है ना, फूड भी खत्म हो रहा है मेरा ठीक है। अभी एक बार रोल मार के देख लेते हो कि डायरेक्शन अभी वहाँ को जा रहे, अब मत टूट जाइयो थैंक यू। अब मेरे को जाना इस साइड सो चलो कोई नहीं, एक बार कहाँ फंसा रहे हो भाई छोटे मोटे ट्रैप्स में। ये भी वही तो
मैं कितना पागल हूँ, मेरे पास नाइट विजन वगैरह का भी तो पोर्शन वगैरह था ना। छी यार, मेरे पास नाइट विजन का भी पोर्शन था, मैंने वो भी पता नहीं कहीं तो फेंक दिया। ओके गाइस, अभी तो मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड में आ चुका हूँ, मेरे को चेस्ट भी दुख चुकी है जहाँ पे फालतू वगैरह का सामान है। अभी मेरे को जाना है यहाँ से, कहाँ जाए वो ढूंढना मेरे को, एंड बेसिकली एंड फ्रेम ढूंढना है, सो वो भी देखते हैं अभी कहाँ है। और यही क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लोर तो कर ही चुका हूँ। यहाँ पे भी दरवाज़ा है अभी, बट ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पे भी मॉन्स्टर स्पॉनर कैसे नहीं, कुछ हो रही है मेरे को यहाँ से कहाँ जाऊँ भाई, वहाँ से देखा है। ओके यहाँ चलते हैं सीधा, फिर ओ फाइनली स्पॉनर मिल गया भाई हमें। यस भाई, मेरे पास 15 है, ये कम तो नहीं आने वाली, क्योंकि एंड फ्रेम दोबारा होते हैं, वैसे एक लगी हुई है तो बेसिकली सारी हो जाने वाली है। ओके अभी जितनी भी है सारी फेंक दो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। पहले मैं मतलब क्या करता हूँ, अपनी पूरी इन्वेंट्री को सेटल कर लेता हूँ, क्योंकि फिर जब किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े, फिर मैं लाइटरा भी अपनी जेब में ही रखूँगा, क्योंकि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए कभी क्लच वगैरह मारने की। और मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं है, सॉफ्ट वॉलिंग का पोर्शन तो भी एक मिनट का, तो क्या जा रहा है मेरा। वैसे अगर मेरे पास सॉफ्ट वॉलिंग के पोर्शन की कोई ज़रूरत वरूरत है नहीं मेरे को देखा जाए तो, क्योंकि मेरे पास लाइटरा है, क्योंकि जल सोचते नहीं है, निकलते हैं भाई एकदम अंदर। एंड भाई साहब पहनते अपना इलेक्ट्रा, निकलते हैं भाई। दिख चुका मेरे को सामने गद्दार यार, एक तो उसकी एंचेंटमेंट इतनी है ना, पहले तो खाओ पहले गोल्डन एप्पल, इसको बताता हूँ पहले मैं जब भी मैं एंडर ड्रैगन के पास इधर मुड़े उल भाई क्या हो गया। ठीक है टूट गया, इसको भी मालूम है, इसको लग नहीं रही क्या। अरे यार नहीं सॉरी यार, सॉरी सॉरी यार, यार मैं उड़ रहा हूँ यार, मैं देख रहा भाई इसको, हाँ नहीं तो जब देखो निकलो यहाँ से, उड़ उड़ के मारने वाला भाई मैं। पहले ये टूट गया, अब थोड़ी सी और आसमान की ऊंचाइयों में जाएंगे अपन, फिर तोड़ते बस इजी आराम से एक। नहीं यार मेरे मुंह पे भूखना तो अभी ये, और एक ये टूट गया, एक ये भी गया, नहीं बच गया बच गया बच गया। अब थोड़ी सी और आसमान की ऊंचाई में चलते हैं भाई, एंटी ड्रैगन को हील करने का मौका तक नहीं देना चाहता मैं। देखिए बैम, अरे नहीं यार नहीं बच गया। फिर कभी सही, बट अभी तेरी जीपी जट खा देते हम खत्म, क्योंकि भाई मेरी गलती नहीं थी, वो हवा में जा ही नहीं रहा था तो मैं क्या ही करूं। ओके गाइस फाइनली हमने अपने ये वाला क्या कह रहे हैं यार, हमने फाइनली डॉट टॉप ओपी आइटम वाला मोड भी कर दिया, कंप्यूटर एंड ड्रैगन की गुद्दी छटका दिया यहाँ पे भी। अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल। आज के वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय।